हे गाइस, माय नेम इज शाकिब और आप देख रहे हो TECHOOB.com। सो गाइस, इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ Realme के एक नए फ़ोन के बारे में जिसका नाम है एंटरटेनमेंट। सो गाइस, बेसिकली बहुत फेमस डायलॉग है ये बॉलीवुड का और आपने पक्की बातें सुना होगा। सो बेसिकली इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ न्यू फ़ोन के बारे में जो Realme की तरफ से आएगा और आपको यहाँ पे Flipkart के एक पेज पे टीज भी कर दिया है Realme ऑफिशियल्स ने। सो बेसिकली इस पेज को देख के यही समझ में आता है कि एक एंटरटेनमेंट बेस्ड फ़ोन आने वाला है Realme की तरफ से। सो बेसिकली आपको लेटेस्ट एपिसोड ऑफ आस्क माधव में माधव सर ने यह अनाउंस किया था कि दो फ़ोन आने वाला है Realme की तरफ से 2019 के Q1 में और 2019 के Q2 में। सो Q1 का जो फ़ोन है यहाँ पे आपको टीज तो हो गया है। सो यहाँ पे टीज होने का मतलब यह है कि एक महीने के अंदर अंदर मोबाइल लॉन्च हो जाएगा, पक्की बात है। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि फरवरी के तीसरे वीक तक ये मोबाइल पक्की बात है लॉन्च हो जाएगा। अब बात करते हैं मोबाइल होने वाला कौन सा है। सो या तो Realme 3 होगा या फिर आपको Realme A1 होगा। सो इंटरनल खबर तो कुछ आई नहीं है और ना ही कोई ऑफिशियल लीक हुआ है या फिर हल्का फुल्का भी लीक नहीं हुआ है कि कौन सा फ़ोन होने वाला है ये, लेकिन शायद आपको आगे लीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको Realme 3 होने वाला है क्योंकि इसका जो नॉच है आपको नॉच Realme 2 में मिला था और Realme 2 को लॉन्च हुए भी 5 महीने हो गए हैं अप्रॉक्स। तो यहाँ पे आपको Realme 3 भी हो सकता है सेम नॉच डिज़ाइन के साथ। और दूसरी बात ये है कि Realme के ऑफिशियल आपको मार्केटिंग टीम हेड है एक बंदा जिसका नाम है फ्रांसिस, तो मेरा थोड़ा सा फेसबुक फ्रेंड भी है वो। सो उसका भी एक कमेंट देखा था मैंने, उसमें लिखा हुआ था उसने कि व्हाट अबाउट Realme 3। सो इंटरनल टीम के बंदे थोड़ा बहुत लीक करते रहते हैं इधर। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है पक्की बात है कि आपको Realme 3 होने वाला है। सो गाइस, अगर बात करते हैं इस पेज की तो यहाँ पे आपको इस पेज में तीन चीज़ मेंशन की गई है। पहला है गेमिंग, दूसरा है एंटरटेनमेंट, तीसरा है नेटफ्लिक्स आपको वेब सीरीज़ के बारे में। सो गेमिंग के लिए तो पक्की बात है यहाँ पे आपको मीडियाटेक का P70 मिलेगा या फिर आपको Realme 2 का सीरीज़ है तो शायद स्नैपड्रैगन 636 यूज़ कर सकते हैं, 632 भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आई एम प्रीटी मच श्योर कि यहाँ पे आपको मीडियाटेक का P70 मिलने वाला है क्योंकि यहाँ पे आपको गेमिंग के लिए बहुत अच्छा प्रोसेसर है वो। और यहाँ पे आपको पबजी के बारे में साफ साफ बताया गया है कि सोलो में खेलो या फिर आपको स्क्वाड में खेलो लैग नहीं करेगा गेम। सो आपको पक्की बात है कि यहाँ पे आपको 632 नहीं जाएगा, P70 के साथ जाएगा क्योंकि आई एम ऑल्सो यूजिंग Realme U1 और आपको यहाँ पे Realme U1 की गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। वैसे मैं फुल रिव्यू पक्की बात जल्दी लेके आऊँगा गाइस, थोड़ा बहुत अभी काम कर रहा हूँ इसी के ऊपर। सो अच्छे से डिटेल रिव्यू मिल जाएगी आपको थोड़े दिन के बाद। अब बात करते हैं गाइस दूसरे स्क्रीन की, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है एक्शन पैक्ड ड्रामा विथ फ्रेंड्स। सो बेसिकली इसका मतलब ये है कि शायद से बड़ी स्क्रीन होगी जिसमें तुमको पूरा ग्रुप देख सकता है बैठ के, लेकिन टीवी नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन ना 6.5 इंच या फिर 6.4 इंच तक पक्की बातें मिल जाएगा। वैसे अभी भी 6.3 इंच तो मिल ही रहा है तो 6.5 एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम लोग। अगर बात करते हैं दूसरे इसकी, तो यहाँ पे आपको नेटफ्लिक्स या फिर आपको थ्रिलर्स के बारे में लिखा हुआ है बेसिकली यहाँ पे सीरीज़ के बारे में। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि नेटफ्लिक्स या फिर अमेजोन का ये शायद सब्सक्रिप्शन देंगे या सब्सक्रिप्शन ऑफर देंगे या फिर 1-2 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है जिसकी वजह से लोग जितने भी नेटफ्लिक्स या जो भी सीरीज़ होती है वो एंजॉय कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर गाइस अब बात करते हैं थोड़ी सी एंटरटेनमेंट फ़ोन की, तो यहाँ पे आपको हुआवे का Y9 आया था, Y9 2019 का एडिशन, वो एंटरटेनमेंट बेस्ड फ़ोन था। और आपको मोटो का E5 भी आया था, वो भी एंटरटेनमेंट बेस्ड फ़ोन है। सो ये जो फ़ोन है बहुत कमाल के नहीं होते और मुझे बेसिकली कुछ कमाल लगता नहीं इन फ़ोन के बारे में क्योंकि इसमें कुछ होता नहीं है, बस कॉपीड होते हैं हर चीज़, बस थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा होता है। आपको जो साउंड ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा अच्छा होता है, कोई चिप यूज़ कर लेते हैं स्पेशल ऑडियो चिप जिसके वजह से साउंड ऑप्टिमाइज हो जाता है बहुत अच्छा और काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा लाउड हो जाता है। और 3.5 mm जैक होता है और डिज़ाइन के मामले में भी थोड़ा बहुत कॉपीड ही होते हैं। सो देखने वाली बात होगी कि Realme 3 में क्या होगा। अगर Realme 3 में डायमंड कटिंग डिज़ाइन आता है जैसे कि वो Realme 2 में था, तो मैं पक्की बात है लेने वाला हूँ इस फ़ोन को क्योंकि मुझे वो डिज़ाइन बहुत ही पसंद था, मतलब लेने वाला, मतलब रिव्यू करके भेज दूंगा कॉन्टैक्ट में ऑन OLX। और गाइस यहाँ पे आपको एक और टीज किया गया है कि स्टोरेज के बारे में, यहाँ पे ऐसे बेसिकली लिखा हुआ है कि स्टोरिंग योर फेवरेट सीरीज फॉर अ रोड ट्रिप। सो स्टोर कर रहे हो क्या तुम, यहाँ से पूछ रहे हैं लोग। सो हाँ गाइस, स्टोर तो कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि स्टोरेज बड़ी मिलने वाली है। ऐसा हो सकता है कि Realme भाई बहुत कमाल की ब्रांड है और 3 GB के साथ 64 GB स्टोरेज दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ये, या फिर आपको एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड देंगे फ्री। तो मुझे लगता है कि स्टोरेज के मामले में कुछ ना कुछ भयंकर वाला काम करने वाले हैं, भयंकर वाला काम। सो गाइस, आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। मैंने जितना भी एनालाइज किया है अपने टेकी नॉलेज से आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ गया होगा। और पक्की बात है कि Realme 3 आएगा, अंदर वाली बात नहीं है लेकिन आप फिर भी पक्की बात है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और जो करना है करो, लेकिन सब्सक्राइब करना जरूरी है, भाई का चैनल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।